हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स वर्ल्ड। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी फिर से मेलर्मा क्रीम के कुछ चीज़ों के बारे में जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है आजकल। मैंने अपने बहुत सारे पहले भी पुराने मेलर्मा क्रीम और जेल और क्रीम के बारे में वीडियोस डाले हैं एंड बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूजन है, तो मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो डालूँ मेलर्मा क्रीम के बारे में एंड आप लोगों की कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करूं। तो आप लोगों का टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने ये वाला लिया है, मैंने इसको निकाल लिया है। ये है ओल्ड एंड न्यू स्कार्स के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत तेज़ चला के बात करने की बिकॉज आई हैव मुझे मेरा माइक नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आई होप आई एम ऑडिबल। तो ये वाला जो है ना, ये वाला मैंने बाय किया था अमेजोन से, ठीक है, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दिस इज फॉर पहली बात तो इसमें लिखा है न्यू छोटू पैक, क्योंकि ये जो नॉर्मल मेलर्मा क्रीम या जेल है उससे थोड़ा सा छोटा है एंड मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या लिखा है सो दैट कि आप इसको बाय करने से पहले सारी चीजें जान लें इसके बारे में। दिस इज इसमें लिखा है विजिबली रिड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू स्कार्स रिजल्टिंग फ्रॉम, मतलब कि आपके पुराने और न्यू स्कार्स जो कि किस चीज से आते हैं, किसी भी इंजरी से, ठीक है, बर्न्स अगर आपको कुछ जल जाते हैं आप कहीं पे, ठीक है, सर्जरी अगर आपकी सर्जरी होती है, लाइक सपोजिटली अगर आपका व्हाट डू यू कॉल इट प्रेग्नेंट है आप लाइक लेडीज एंड आपकी जो है सी सेक्शन हुआ है तो वो सर्जरी के मार्क्स आ जाते हैं आपको, स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है, एक्ने एंड कट मार्क्स, इनके लिए ये सूटेबल है, ठीक है। बर्थ मार्क के लिए ये सूटेबल नहीं है। बर्थ मार्क के लिए प्रोबेबली आई एम लुकिंग फॉर एंड रिसर्चिंग कुछ अदर ऑप्शन, अगर मिलता है तो मैं जरूर उसका वीडियो डालूंगी। बर्थ मार्क के लिए ये इफेक्टिव नहीं है क्लियरली, ठीक है। एंड अगर इसमें लिखा है पीछे कि अगर आपको स्कार्स हैं तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। दिस इज फिर से वही सब लिखा है, जिसमें लिखा है मेलर्मा एडवांस्ड प्लस स्कार जेल, ठीक है, ये जेल है, दिस इज नॉट अ क्रीम, ठीक है, जेल कंसिस्टेंसी का है एंड इट शुड बी इवनली अप्लाइड एंड जेंटली रब्ड ऑन टू द स्कार वंस अ डे फॉर 8 वीक्स ऑन न्यू स्कार्स एंड 2 to 3 टाइम्स अ डे फॉर 3 to 6 months ऑन एग्जिस्टिंग स्कार्स। मतलब कि अगर आपके न्यू स्कार्स हैं, ठीक है, तो उनको आपने इसको एक बार लगाना है दिन में 8 वीक्स तक, मतलब कि 8 वीक्स हो गए 2 months, ठीक है, अगर आपके न्यू स्कार्स हैं। एंड अगर आपके 3 to 6 months पुराने स्कार्स हैं, ठीक है, तो आपको लगाना है इसको 2 to 3 टाइम्स अ डे, मतलब कि अगर आपके नए नए स्कार्स हैं 2 वीक पुराने तो आपको इसको लगाना है एक बार, अगर आपको 3 to 6 months हो गए हैं उन स्कार्स को उन पे लगाना है तो आपको लगाना है 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। अप्लाई एज सून एज योर वुंड हैज क्लोज्ड, मतलब कि इसका क्लियर कट मतलब ये है कि अगर आपका कोई वुंड है, मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे कोई कट लग जाता है, ठीक है, एंड अभी वो बिल्कुल ताजा ताजा है, उसको मतलब सूखा नहीं है, वो सिंपल शब्दों में वो सूखा नहीं है, तब तक आपको इसको नहीं लगाना है। जब वो सूख जाए, ठीक है, सिर्फ उसका स्कार रह जाए और आपको छूने में कुछ भी पेन ना हो, कुछ भी ना लगे, बस एक स्कार दिख रहा हो एंड आपको उसको रिमूव करना है, तब आपको इसको लगाना है। बाकी इसमें लिखा है इसके यूजेस हेल्प्स टू रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू स्कार्स, ठीक है, जो कि हम सब जानते हैं। कॉशन लिखा है ब्रोकन स्किन पे इसको नहीं लगाना है और अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है तो फिर इसको डिसकंटिन्यू करना है। इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है एंड इसका जो कॉस्ट है इस वाले का वो 245 यहाँ पे लिखा है एंड इसकी 3 ईयर्स की मैन्युफैक्चरर्स वो है, मतलब एक्सपायरी जो है वो 3 ईयर्स बाद होगी एंड 245 रुपीज का है ये, ओके। तो ये वाला जो है ये एक जेल है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना छोटा है, ये इतना सा है, लाइक अगर आप इसको हैंड से कंपेयर करेंगे तो ये इतना सा ही है, ठीक है, लेकिन ये बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव है। ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि ये स्कार्स रिड्यूस करने में एंड विजिबली रिड्यूस करने में और हटाने में हेल्प करता है, इसलिए ऑफकोर्स इस छोटी सी ट्यूब की जो कॉस्ट है वो भी 245 रुपीज है, बट मैं आपको लिंक दे दूंगी अमेजोन का, अगर वो अभी इस समय डिस्काउंट पे चल रहा होगा तो आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी ट्यूब, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज कर रही हूँ, रोज नहीं कर पा रही हूँ अगेन बिकॉज मेरे ब्रेकआउट्स भी हो रहे हैं साथ साथ, तो मैं जब तक ब्रेकआउट्स है मैं उनपे तो नहीं लगा सकती, जब ब्रेकआउट्स चले जाएंगे, पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, उनके निशान रह जाएंगे तभी मैं इसको लगा सकती हूँ, ठीक है। पर मैं आपको अपने हैंड पे इसको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसा है ताकि आपको पता चले कि ये क्रीम नहीं है, ये वाला जेल है, ठीक है। तो बहुत जरा से मिलूंगी, ये देखिए ये इस कंसिस्टेंसी का है, बिल्कुल जेल है, कुछ भी नहीं है, जेल फॉर्म में है ये,
ठीक है, जैसे एक नॉर्मल जेल होता है वो है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगी इसको क्योंकि मुझे लगाना है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, एंड दिस इज स्किन केयर फॉर स्कार्स। अच्छा, मुझे एक रिसेंट एक कॉमेंट आया था, उसमें लिखा था कि ये स्कार्स के लिए है या ये मार्क्स के लिए है। तो पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गई, बिकॉज स्कार्स एंड मार्क्स में आई डोंट थिंक देर इज अ मच ऑफ डिफरेंस, क्योंकि स्कार्स भी आपके दाग होते हैं, मार्क्स भी आपके दाग होते हैं, ठीक है। स्कार्स में भी ज़्यादा बड़ा फॉर्म है मार्क्स का, मार्क्स जो है वो मे बी छोटे छोटे मार्क्स कहीं पे आ जाएं आपको किसी पिंपल से, या कोई एक आधा मार्क आ जाए तो उसको मार्क्स बोलते हैं मे बी। एंड स्कार होता है जब वो कुछ बड़ा दाग धब्बा यू नो टाइप का हो, जैसे कि कोई बर्न मार्क हो जाए, बर्न से जो स्कार आ जाता है, और मे बी आपके बहुत सारे एक्ने है एंड उससे जो स्कार्स आ जाते हैं काफ़ी सारे, उनको मे बी स्कार्स बोलते हैं। तो दिस इज एज पर माई रिसर्च एंड नॉलेज, तो ये है। बाकी आपको जो है ये इफेक्टिव ज़रूर है, थोड़ा कि हर किसी को देखिए चीज़ को इफेक्ट आने में टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली इसके साथ भी यही है। तो आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते रहिए, एंड कुछ लोगों को बहुत जल्दी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्कार्स हाउ डीप इट इज़ एंड हाउ बिग इट इज़, उनको जल्दी इफेक्ट लगेगा, एंड कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। एंड मुझे लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव लगा, ऑब्वियसली तभी मैं इसको बार बार खरीदती हूँ, एंड मैं अपने बस पिंपल्स जाने का वेट कर रही हूँ एंड देन इसको दोबारा से लगाऊंगी, एंड आई होप कि मेरे को बहुत कम दिनों में एक अच्छी क्लियर स्किन मिल जाएगी। तो यार ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो मेडर्मा जेल के बारे में, सो दैट कि आपके अगर थोड़े बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाए, एंड इसको कंटिन्यूड यूज़ रखिए। मैं भी इसको कंटिन्यूड यूज़ में ला रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया पिंपल्स हैं ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर से हम इसको लगाएंगे। वैसे मेरा आजकल ज़्यादा फोकस ये है कि हमारे पिंपल्स ना ही हों, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं पता कि वेदर दिस इज़ हार्मोनल, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ये ब्रेकआउट हो रहे हैं, या ये आजकल बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, उसकी वजह से हो रहे हैं, या फिर कोई और रीज़न है। तो जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं करती रहती हूँ पिंपल्स ताकि ना आए, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मुझे इफेक्ट करेगा तो ऑफकोर्स आपको भी बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करेगा, सबको नहीं करेगा, हो सकता है सबको ना करे, बट मेजॉरिटी को ये इफेक्ट करेगा। सो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियो। एंड इसके साथ ही हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।